बीच पुल पर बंद हुई थी पैसेंजर ट्रेन। लोको पायलट सहायक ने रिस्क लेकर की मरम्मत। ट्रेन पर रेंगते हुए पुल पर लटक कर ठीक किया वॉल्व। बागा में पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट और को लोको पायलट ने अपनी जान का रिस्क लेकर बीच पुल पर खड़ी ट्रेन की मरम्मत की। इस दौरान लोको पायलट ट्रेन और ट्रैक के बीच रेंगते हुए फॉल्ट वाली जगह तक पहुंचे। वहीं साथी ने पुल से लटक कर तार खींचा जिससे ट्रेन फिर से स्टार्ट हो सकी। इस पूरे वाक्य का वीडियो सामने आया है। दरअसल गोरखपुर से नरकटियागंज तक जाने वाली 05497 सवारी गाड़ी के इंजन में एयर लीकेज हो जाने के कारण ट्रेन वाल्मीकि नगर और पनहवैया के बीच पुल पर रुक गई। जैसे ही ट्रेन वाल्मीकि नगर रेलवे स्टेशन से खुली, यूएल वाल्व से लीकेज होने लगा और गाड़ी संख्या KM 298/20 पुल संख्या 382 पर खड़ी हो गई। बीच पुल पर ट्रेन रुक जाने से पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। यूएल वाल्व पुल के बीचों बीच लीक हुआ था। ऐसे में लीकेज को बंद करना एक बड़ी चुनौती थी। इस इमरजेंसी वाली स्थिति में ट्रेन के लोको पायलट अजय यादव और सहायक लोको पायलट रंजीत कुमार ने अपनी जान की परवाह किए बिना पुल पर होते हुए ट्रेन के नीचे पहुंचे और वॉल्व को ठीक किया, जिसके बाद ट्रेन सुरक्षित आगे बढ़ सकी। मामला गुरुवार का है। इस पूरे वाक्य का वीडियो रेलवे ने शुक्रवार को जारी किया है। करीब 5 मिनट के वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक लोको पायलट रेलवे ब्रिज की पतली सी रेलिंग के सहारे धीरे धीरे फॉल्ट वाली जगह तक पहुंचता है। वहीं दूसरा ट्रेन और ट्रेन के बीच की संकरी जगह तक रेंगते हुए वॉल्व तक आ जाता है। दोनों काफी मशक्कत से वॉल्व को दुरुस्त कर लीकेज को बंद करते हैं। दोनों लोको पायलट्स की इस बहादुरी की सराहना हो रही है। हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। यात्री और रेलवे स्टाफ सभी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। DRM विनय श्रीवास्तव ने दोनों लोको पायलट का धन्यवाद भी किया। जब इंजन में एयर लीकेज की समस्या आई और ट्रेन रुक गई तो यात्रियों में हड़कंप मच गया था, लेकिन लोको पायलट अजय यादव और रंजीत कुमार ने अपने साहस दिखाते हुए तुरंत समस्या का समाधान खोजा। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने इंजन को ठीक करना ही सही समझा। इस साहस के लिए रेलवे प्रशासन के द्वारा दोनों को पुरस्कृत किया जाएगा। DRM वीना श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को ट्रेन का वॉल्व खराब हो गया था, जिसमें लोको पायलट और सहायक ने ट्रेन के नीचे उतरकर ठीक किया, जिसके लिए रेलवे उन्हें ₹10,000 का पुरस्कार देकर सम्मानित करेगा। उन्होंने बताया कि डबलिंग कार्य को लेकर उस पुल को भी बदला जाएगा। वाराणसी से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए विभास कोंडनिया की यह रिपोर्ट। जानते हैं बांध सील किया हुआ है।